हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी LLB के जो लास्ट ईयर पेपर देख रहे हैं, उसमें आज हम थर्ड नंबर पेपर देखने वाले हैं। यदि आप भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले आपके लिए लेटेस्ट अपडेट अपलोड करते हैं जो भी यूनिवर्सिटी की आती है। इसी के साथ एग्ज़ाम में जो कि गैस पेपर होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम लोग अपलोड करते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, उनमें से लास्ट ईयर के 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में देखे गए थे। तो उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता की शक्ति का वर्णन कीजिए। किन परिस्थितियों में वह सहदाई की संपत्ति में से सहदाइकियों को उनके अविभाजन हित को बंधक रख सकता है, बताइए। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले आपके संयुक्त परिवार के अंदर कर्ता कौन होता है वो बताना है, फिर उसके बाद में कर्ता की शक्तियों का वर्णन करना है, फिर आपको बताना है कि सहदाय की संपत्ति कौन सी होती है और सहदाय की संपत्ति में कब कर्ता उसको बंधक रख सकता है, कब उनको बंधक के लिए उस संपत्ति को पेश कर सकता है, वो चीज़ आपको इसमें बतानी रहेगी। सेकेंड क्वेश्चन है, हिंदू विधि में क्रूरता के विभिन्न पहलू क्या है, निंदितवाद की सहायता से चर्चा कीजिए। इसमें आपको क्रूरता बतानी है, उसके बारे में उसके विभिन्न पहलू, जो जो आपको क्रूरता के बारे में पता है वो सब पॉइंट्स डाल के आपको लिखना है। फिर इसमें इसको निंदितवाद की सहायता से, जो पहले के इसमें क्रूरता के निंदितवाद आए हुए हैं, न्यायालय ने वाद दे रखे हैं, उनके साथ उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, फै 2010 में विधवा दो पुत्र और एक पुत्री छोड़कर मर जाता है। फै अपने भाई के साथ संयुक्त परिवार का सदस्य था। अविभाजित संयुक्त परिवार में फै का हित किस प्रकार विभाजित किया जाएगा। अब जो विभाजन होता है संयुक्त परिवार के अंदर, उसके बारे में आपको इसमें बताना है, आंसर करना है। सबसे पहले आपको बताना है संयुक्त परिवार के अंदर मतलब किस प्रकार संपत्ति होती है, अविभाजित संपत्ति क्या होती है, फिर उसके बाद में अविभाजित संपत्ति का विभाजन किन तरीकों से किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, उस प्रकारों का वर्णन करना रहेगा। अब चौथा क्वेश्चन है आपका, संतान और वृद्ध माता पिता के भरण पोषण से संबंधित विधियों का उल्लेख कीजिए। इसके अंदर आपको भरण पोषण क्या होता है, फिर उसके बाद में संतान के प्रति भरण पोषण की क्या ड्यूटी होती है, वृद्ध माता पिता के पक्ष में जो भरण पोषण किया जाता है उसके लिए क्या ड्यूटी होती है, वो सब आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है, अवयस्क बालक के नैसर्गिक संरक्षक कौन होते हैं और प्राकृतिक संरक्षक की शक्ति की व्याख्या कीजिए। पहले आपको बताना है अवयस्क बालक कौन होता है, फिर अवयस्क बालक के नैसर्गिक संरक्षक कौन होते हैं, संरक्षक कितने प्रकार के होते हैं वो लिखिए, फिर नैसर्गिक संरक्षक लिखिए, फिर उसके बाद में नैसर्गिक संरक्षक कौन है वो आंसर आ गया, फिर आपको लिखना है प्राकृतिक संरक्षक, प्राकृतिक संरक्षक कौन होते हैं वो लिखिए, फिर प्राकृतिक संरक्षक की क्या क्या शक्तियाँ होती है वो आपको लिखनी रहेगी। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है टिप्पणी कीजिए, जो आपको नॉर्मली हर पेपर में लास्ट वाला क्वेश्चन टिप्पणी का आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको 2 चूज करके 2 का आंसर लिखना रहेगा। जैसे मैंने लास्ट पेपर में भी बताया था आपको कि इस बार आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, लास्ट ईयर आपके 6 क्वेश्चन आए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 60 नंबर का हुआ था कोविड के कारण, तो इस बार आपका क्वेश्चन पूरा पेपर 100 नंबर का आने वाला है। टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहेंगे। इसी के साथ में आपको पूरे सिलेबस को देखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इस बार आपको फुल सिलेबस कवर करना है। आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं किया तो आप स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है और सिलेबस काफ़ी बड़ा है। ए ऑप्शन है आपका, सेवायत की शक्ति और कर्तव्य बताइए। बी ऑप्शन है, शून्य करणीय विवाह कौन से हैं। सी ऑप्शन है, भरण पोषण की राशि कितनी हो सकती है, क्या प्रावधान है उसके। सी डी ऑप्शन है आपका, पवित्र दायित्व का सिद्धांत क्या है। तो इनमें से आपको जो भी आंसर आता है वो आप 2 चूज़ करके उसका आंसर लिख सकते हैं।
अब आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देखिए कि आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए। क्योंकि आप जब आपको आंसर आता है बट आप अच्छे से ड्राफ्टिंग नहीं करते हो तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। अच्छे नंबर के लिए अच्छे आंसर राइटिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप उस वीडियो को देखें कि आंसर किस प्रकार लिखना है। इसी के साथ यदि आपको इस पेपर की PDF चाहिए एंड इंग्लिश में चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने हमें इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी अपडेट चाहिए या कोई जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें हमारा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, जिस पे हम सबसे पहले कोई भी अपडेट आती है तो उसकी स्टोरी लगाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।